हाय फ्रेंड्स, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर का रिवेल्यूशन का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीए का जनरल पेपर का भी फर्स्ट सेमेस्टर का मेजर पेपर भी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी का भी फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद बीएससी मेजर भी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम जनरल भी फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीकॉम आपका वो भी जो मेजर सब्जेक्ट है वो भी, कॉमर्स वाला भी, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाला डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको जो एग्जामिनेशन ईयर जो सेशन दिया गया था 21-22 का वही रिजल्ट है जो आप लोग थोड़े पहले जो एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर का, यहाँ पे देख सकते हैं बीए मेजर फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीए जनरल फर्स्ट सेमेस्टर का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है। आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर वहाँ पे जाके विज़िट कीजिएगा। और आप ऐसे भी ये देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं ये वाला GUPortal.in, ये मारिए आराम से, ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करने से होगा, यही है मेन वेबसाइट। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस तरह यहाँ पे सेशन है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, 21-22 का सेमिस्टर ओडिशा का वैसा ही रहेगा। आप लोग अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि ग्रेजुएशन आप लोग का हुआ नहीं है, तो ये वाला अंडर ग्रेजुएशन। उसके बाद आपका या तो कॉमर्स है आर्ट्स है, तो जो आर्ट्स है कॉमर्स है वो देखेगा अपना हिसाब से वहाँ पे देगा, किसी का साइंस स्ट्रीम है तो साइंस देगा, बीएससी वाला साइंस देगा, तो जो बीए वाला है वो आर्ट्स देगा। देने के बाद ये आ जाएगा, और ये बार बार कह रहा हूँ मैं, रीएवेल्यूएशन का जो रिजल्ट है डिक्लेयर किया गया है, आप लोग देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद इस तरह का पोर्टल खुलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ पे रोल नंबर आपको टाइप करना है, जो रोल नंबर आपको मिला था आपके पास एडमिट है या रोल नंबर है फर्स्ट सेमेस्टर में वो दीजिएगा। इसके बाद इन दोनों कैप्चा को मतलब प्लस करके 10 और 12 प्लस करके 22 हो रहा है, तो 22 वहाँ पे डालिएगा। उसके बाद गेट्स रिजल्ट में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 22 डालिएगा, गेट्स रिजल्ट में क्लिक कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा, आपका पेपर बैक है क्या है वो। और यहाँ पे एक नोटिस किया गया है, सो नोट नो हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कई स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है, या देखिएगा स्टूडेंट शोइंग देयर द रिजल्ट विथहेल्ड और एब्सेंट, किसी स्टूडेंट का रिजल्ट में विथहेल्ड और एब्सेंट दिखा रहा है, मतलब आप एग्ज़ाम दिए हैं फिर भी वहाँ पे एब्सेंट है, मतलब वहाँ पे आपका पेपर बैक है और एब्सेंट दिखा रहा है, बैक भी तो नहीं दिखा रहा है, एब्सेंट दिखा रहा है, डायरेक्ट एब्सेंट लिखा हुआ आएगा या विथहेल्ड आएगा, आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा, विथहेल्ड लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह के जो भी सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम है उस पर आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो उस तरह का इरर रिसेंटली रिजॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब उसको ठीक कर दिया जाएगा, अगर किसी का बाय चांस हुआ तो, रेयरली होता है, तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आने से वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, तो वो फिर आप चेक ही कर सकते हैं बाद में रिजल्ट को। तो बाय द वे, वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों का भी, क्योंकि पूजा वगैरह था उन लोगों को मालूम नहीं था, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है, 2 दिन पहले डिक्लेयर किया गया है, 5 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, आज लगभग 8 तारीख है, 3 दिन हो चुका है, सो